वीडियो में आप ही के साथ बनाया था जी, जरूर देंगे, अगर आप बुलाइएगा तो जरूर देंगे। करता हूं आप सभी का एक न्यू फ्रेश कमाल के वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे इस वीडियो में जुड़ी हुई है मुस्कान जी। आप लोग इनको पहले वाले इंटरव्यू में आप लोग देख लिए होंगे, तो वो वीडियो को आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो मैम, क्या कहिएगा उस वीडियो को, पब्लिक लोग जो है हमारे जो ऑडियंस है उन वीडियो को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट किए। पहले तो सबको नमस्ते, इस चैनल के माध्यम से जितने पब्लिक है सबको कर चुके हैं। अच्छा, क्या कहिएगा उस वीडियो पे जो ऑडियंस है, उस वो ऑडियंस जो है वो ये नहीं जान रहे थे कि आपका बाहर में जो है शूट चल रहा था और मैं जो हूँ अंदर आपका इंटरव्यू लिया था। तो ऑडियंस जो है कमेंट कर रहे थे कि मंगलसूत्र पहनी है, मांग में सिंदूर है, बोल रही है कि अभी शादी नहीं की हूँ मैं। तो ऑडियंस को फिर मैं रिप्लाई किया कि नहीं, उनका मतलब बाहर में शूट चल रहा था और अंदर वो आई थी मतलब अपना न्यू सेटअप करने के लिए, तो मैं उनका इंटरव्यू लिया था। तो पब्लिक को मैं यही समझा रहा था, इसके ऊपर क्या कहिएगा जो ऑडियंस को लग रहा है कि आपका शादी हो चुका है? नहीं हुआ, होगा तो आप सबको जरूर बताओगे, आप सब इनको बताइएगा। बहुत हाँ। सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब आपको चाहते हैं, आपसे मतलब प्यार करते हैं और लोग जो है मतलब लव यू मतलब कमेंट में बोल रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, लोग जो आपको इतना पसंद करते हैं और पब्लिक जो इतना आपको प्यार कर रही है, तो आपको कैसा लगता है जब पब्लिक और जो ऑडियंस इतना आपको प्यार और सपोर्ट कर रही है? मेरे लिए माँ मेरी और पब्लिक से बढ़ के कोई नहीं है, बस इन दोनों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत दूर। अच्छा, ये बताइए आप शादी कब कर रही हैं? बहुत जल्दी करेंगे, बुलाएंगे सबको। ऑडियंस जो है वो जानना चाहती है कि आप शादी मतलब कब कर रहे करेंगी कब? बस 5-6 साल के बाद। 5-6 साल? 5-6 साल मतलब अभी और टाइम लगने वाला है। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोग को और ज्यादा जो है इंतजार करना पड़ेगा है, और मतलब आपसे मिलना चाहती है, तो जिंको मिलना होगा आपसे वो कैसे मिल सकते हैं? बस इंस्टा में मेरे को मैसेज कीजिए आप सब। अच्छा, मैसेज करेंगे जो पब्लिक लोग, तो आप उनको रिप्लाई कीजिएगा? यही तो होता है, नहीं दे पाते किसी को रिप्लाई, नहीं दे पाती है, इतने बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, बहुत सारे। मुझे लगता है पिछला वाला वीडियो निकलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं उसमें आपसे पूछा था कि आप कौन सा क्रीम यूज करती हैं, स्टार्टिंग में डाले थे, पब्लिक उस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट किए थे। कोई क्रीम यूज नहीं करता, बस थोड़ा मोड़ा हो गया। पब्लिक जो मतलब यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं वो मतलब मेकअप वगैरह कर देते हैं, यही ना? मेकअप वो लाते, मैं खुद से करती हूँ। आप हमारे चैनल के थ्रू पब्लिक को क्या कहना चाहिएगा? जितना मेरे को प्यार सपोर्ट करते हैं उतना इनका चैनल को कीजिए। और मतलब कि कितना दिन तक और मतलब ऐसे करिएगा, और कहाँ तक आपका प्लान है और आगे जाने का, ये बताइए। बस जहाँ तक पब्लिक। और मगही इंडस्ट्री के ही गाने ज्यादा कर रही है अभी की भोजपुरी गाने? सब मिक्स है, सब मिक्स कर रही है। आज मतलब कितना गाने का शूट कर ली होंगी? कम से कम 3 गाना। तीन गाना? मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ आपका, उस टाइम से शूट ही चल रहा है, लगभग मैं 3 घंटा बैठा हूँ तब से शूट ही चल रहा है आपका। दो सेट पे गाना के मतलब इधर भी जिस सेट पे उधर भी, क्या उधर भी की, तो मतलब कि इधर उधर दोनों सेट पे जो काम चलते रहता है और अलग अलग कलाकारों के साथ आपका जो है मतलब शूट चलते रहता है। तो एक दिन में आपका टारगेट कितना रहता है, कितना गाने का मतलब लगभग शूट कर रहे हैं? 3 से 4। और जो हमारे जो भोजपुरी के जो ऑडियंस है और जो भी मतलब वीडियो देखते हैं उनका जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है कि जो कलाकार हैं वो मतलब कितना पैसा अर्न करती होंगी एक गाने का, या कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहिएगा? मैं एक गाना का तो नहीं लेती हूँ, पर मैं एक दिन का चार्ज करती है। एक दिन का चार्ज? अच्छा, अब एक, वो तो नहीं बता सकती। अच्छा, वो नहीं बता सकती। अच्छा, वो ऑफ कैमरा हमें बता दीजिएगा, मतलब आप लोग नहीं जान सकते लेकिन ऑफ कैमरा मैम बता देंगी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, और पिछले वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप लोगों को इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं तो खैर आशीष भैया जिस दिन आए थे मैं उस दिन आया, लेकिन आशीष भैया कल दिन शूट थोड़ा चल रहा था। हाँ, आप चल गए थे लेकिन दूसरा इंटरव्यू ले लिया था। हाँ, दूसरा लोग इंटरव्यू लिए, मैं चला गया क्योंकि लेट काफी ज्यादा हो गया था, भैया बोले कि हां वो लोग रुके हुए थे जो लोग इंटरव्यू लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आशीष भैया का भी आने वाले समय में इंटरव्यू लेंगे, खैर उस दिन नहीं ले पाए, चलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम से इंटरव्यू लेंगे। मुस्कान जी से बोले थे कि फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपका इंटरव्यू लूंगा अगर वीडियो निकलेगा तो, लेकिन खैर कहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा पहला ही ऐसा वीडियो था जो ऑडियंस इतना प्यार दिए और वो वीडियो निकल गया, मतलब भोजपुरी लाइन का वो पहला वीडियो मैं आप ही के साथ बनाया था। जी जरूर देंगे, अगर आप बुलाइएगा तो जरूर देंगे। चलिए बहुत अच्छा है, और इस वीडियो को भी प्यार सपोर्ट मिलेगा तो फिर एक दिन आएंगे, क्या कहिएगा? हमारे जनता के बारे में क्या कहना चाहिएगा? राज रोशन ब्लॉग्स, प्यार आशीर्वाद इनके ब्लॉग पे देते रहिए, मेरे को भी थोड़ा मोरा मेरे को भी दे दीजिएगा। आपको तो बहुत मिलता है, बहुत पब्लिक आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मतलब कमेंट करते हैं मुस्कान जी से एक बार भाई मिलवा दो, कमेंट में मतलब कमेंट करते रहते हैं लोग, लव यू लव यू बोलते हैं, तो मैं उनको आपके तरफ से रिप्लाई कर देता हूँ लव यू टू। महसूस कीजिए मुस्कान मेरे पास है।